In question number 5, they are given you find the ratio in which point P, K and 7 it divides the segment. A coordinate they are given you as 8 and 9. B coordinate they are given you as 1 and 2. We have to find the value of K also. Here हम लोग को रेशियो भी फाइंड आउट करने का है और हम लोग को K का वैल्यू भी फाइंड आउट करने का है. रेशियो 1 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे बाइसेक्शन फॉर्मूला. सो फर्स्ट वी विल पुट डाउन द वैल्यूज. क्या क्या वैल्यू दिया हम लोग को. x1 का वैल्यू है मेरे पास 8. आई रिटर्न ए x1 y1 b x2 y2 एंड p xy बी द गिवन पॉइंट्स. सो x1 का वैल्यू है मेरे पास 8, y1 का वैल्यू है मेरे पास 9, x2 का वैल्यू है मेरे पास 1, y2 का वैल्यू है मेरे पास 2. यहाँ पे भी x का वैल्यू है मेरे पास k एंड y का वैल्यू है मेरे पास 7. करेक्ट. सो राइट हियर बाइसेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला में क्या करते थे x इज इक्वल टू यू ऑल नो दैट m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n. देखिए मेरे पास x का वैल्यू है k, वो तो हम लोग को फाइंड आउट करने का ही है. तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचता है y इज इक्वल टू 7. तो मैं y इज इक्वल टू डालूंगा y इज इक्वल टू एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन. करेक्ट. क्योंकि y का वैल्यू है मेरे पास, y2 का वैल्यू है मेरे पास, y1 का वैल्यू है मेरे पास. आई कैनॉट पुट x क्योंकि x का वैल्यू वी आर नॉट बीन गिवन टू अस. सो पुट द वैल्यू हियर. y का वैल्यू इज हाउ मच इट इज 7. यू कैन पुट इट 7 इज इक्वल टू m y2 का वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस n y1 का वैल्यू है मेरे पास 9. सो यू कैन पुट हियर 9 अपॉन m प्लस n एज इट इज. अभी 7 इज इक्वल टू 2m प्लस 9n अपॉन m प्लस n है. m प्लस एन यहाँ पे नीचे है डिवाइडेड बाय, तो लेफ्ट हैंड साइड में है तो क्या होगा मल्टीप्लीकेशन. सो राइट हियर देयरफॉर 7 मल्टीप्लाई बाय m प्लस एन इज इक्वल टू, नाउ यू कैन ओपन द ब्रैकेट्स 2m प्लस 9n. करेक्ट. अब यहाँ पे भी 7 ब्रैकेट m प्लस एन है, तो जैसे मैं ब्रैकेट ओपन करता हूँ 7 दोनों को मल्टीप्लाई होगा. So write here therefore 7m plus 7n is equal to 2m plus 9n. अभी मैं जो वेरिएबल्स है लाइक वेरिएबल्स को एक साथ ले लेता हूँ m m को, तो क्या होगा therefore 2m minus 2n 2m minus 7m प्लस 2m इक्वल टू का राइट हैंड साइड में इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा तो इट बिकम्स माइनस. सो माइनस 2m आई रिटर्न इक्वल टू के बाद पहला क्या है n के साथ नंबर हो पहले लिखूंगा 9n आई कैन राइट एंड प्लस 7n इट बिकम्स माइनस 7n मींस गोज देयर. सो 7 माइनस 2 इज 5m इज इक्वल टू 9 माइनस 7 इज 2n. देयरफॉर m अपॉन n में लिख सकता हूं m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 5. करेक्ट. तो मेरा रेशियो आ गया m अपॉन n इज इक्वल टू 2/5. इधर तो 5 मल्टीप्लाई बाय m था, तो 5 नंबर मेरे को नहीं चाहिए था, तो मैं क्या किया इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन का ऑपोजिट डिवीजन, तो 2 के नीचे 5 आ गया. यहाँ पे भी 2 मल्टीप्लाई बाय n है, तो मल्टीप्लाई बाय n इक्वल टू का लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो इट बिकम डिवीजन. सो m अपॉन n वी गॉट इट एज 2/5. नाउ व्हाट वी विल डू, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. नाउ x इज इक्वल टू के ना, तो k का वैल्यू फाइंड आउट करने का. सो x इज इक्वल टू यू नो बाय सेक्शन फॉर्मूला ओनली एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन. नाउ x का वैल्यू है मेरे पास कितना k, तो मैं लिखूंगा k इज इक्वल टू m का वैल्यू कितना है मेरे पास m इज इक्वल टू 2. सो कैन आई हियर 2 मल्टीप्लाई बाय x2. x2 का वैल्यू क्या है 1. सो आई कैन पुट हियर 1 प्लस n का वैल्यू है मेरे पास 5. सो आई कैन पुट हियर एज 5 मल्टीप्लाई बाय x1. What is the value of x1? 8. You put here as 8 upon m plus n का मतलब 2 plus pi. You put here 2 plus pi. Therefore k is equal to 2 multiplied by 1 होता है 2 plus 5 into 8 is 40 upon 2 plus 5 is 7. So getting answer as 42 upon 7. तो मेरा k का वैल्यू आया 42 upon 7. We can write down the final answer. The final answer is what I told you to find the ratio. So you can write it down. The point P divides the segment AB. Point P divides segment AB in the ratio of 2:5 and value of K is and value of K is 42 upon 7 and the value of K is 42 upon 7. Like this way you can write down the answer. Correct. So 42 upon 7 इसका भी आंसर आ जाता है ना. 42 divided by 7 करो, it is how much? 7/6. So you can write here is equal to 6 and here also you can put the value of K here as 6 here. So like this we are completed question number 5. Now we will see to question number 6.